Assalamualaikum, good morning. So, hi guys, welcome back to my new vlog. Hi guys. चाय पी लो. तो ये तो हो गई टर्न. तो चलो अब अपना प्रॉपरली व्लॉग को शुरू करते हैं. भैया देखो लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप अपने व्लॉग में यार सो गाइस ये मैंने कर लिया वो मैंने कर दिया ना किया करो. भाई क्यों ना किया जाए. अब आप क्या कहते हो कि मैं ऐसे करूं? ये तो आज खुला छोड़ दिया. या ऐसे करूं? चीसा लग रहा हूं कि नहीं? नहीं भाई हर बंदे का अपना अपना एक्सेंट होता है. तो मैं अपना एक्सेंट चेंज करूंगा ना तो ऐसे लगेगा कि मैं किसी को कॉपी करूं. कोई मुझे कॉपी करे मुझे कोई इशू नहीं. मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा इंशाल्लाह. अभी और सुन. अपना ब्लॉग अपना कंटेंट जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ मैं वैसे ही बनाऊंगा. अभी और सुन. मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा. कोई वल्गर लैंग्वेज बोल टट्टी करके मैं वल्गर लैंग्वेज नहीं बोलूंगा. जो मैं सिंपल हूँ जैसा हूँ मैं वैसा दिखाऊंगा. अभी और सुन. लोग आर्टिफिशियल ब्लॉग्स करते रहे यार व्यूज आते रहे हमसे नहीं होता. मैं अपनी डेली रूटीन शो करता हूँ. ब्लॉग्स अपने हिसाब से होते हैं. हर बंदे का राइट है कि वो अपने हिसाब से अपना ब्लॉग बनाए. अभी और सुन. ऑडियंस को पसंद आता है व्लॉग या नहीं पसंद आता तो इसमें क्रिएटर का मसला नहीं है. वो ऑडियंस को नहीं पसंद आता वो ना देखे. अभी और सुन. तो जो हमें पसंद आ रहा है ना जो मेरा दिल करता है मैं वो तो बनाऊंगा इंशाल्लाह. अभी और सुन. भाई मैंने किसी के पीछे नहीं लगना. हाँ मैं अपने ना क्लिप्स की स्पीड थोड़ी सी तेज कर देता हूँ. मुझे एक भाई ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था. वो मेरा जूनियर था जिससे मुझे एक मशवरा दिया था. तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं इस चीज को ना फोकस करूंगा. जो नेचुरल वॉइस होगी ना मैं वही वॉइस यूज करूंगा इंशाल्लाह अपने ब्लॉग्स में. तो मैंने पिछले ब्लॉग में ट्राई किया था. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी खुद अच्छा लगा पर्सनली. तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ जिसने मुझे ये मशवरा दिया था. थैंक यू सो मच ब्रो. सो यार जो आ जाके मैंने इस वीडियो का लुबे नुबाब निकाला है ना वो ये है कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है ना वो करो. बाकी सब चीजों को इग्नोर मारो. ठीक है जिस चीज में आपका फोकस है ना जो चीज आपके दिल को अच्छी लग रही है ना वो ट्राई करो. किसी को कॉपी ना करो. मैं भी बेसिकली किसी ब्लॉगर को कॉपी नहीं करूंगा. बेशक मैं इंस्पायर हूँ सौरभ जोशी ब्लॉग से. हाँ वो अपनी डेली रूटीन शो करता है वो अपने हिसाब से शो करता है. मैं अपनी डेली रूटीन करता हूँ मैं अपने हिसाब से शो करता हूँ. ठीक है मैं कॉपी नहीं करता किसी को. यही नहीं अभी और सुनिए. तो मतलब बेसिकली मैं आप लोगों को बस एक चीज रिकमेंड करूंगा कि कभी किसी को कॉपी ना करो. जी जो आपको अच्छा लग रहा है ना वो चीज अप्लाई करो. तो देखना इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी. तो बस ट्राई करो कि कंटेंट बनाओ. डरो ना परेशान ना हो कि यार मैं क्या बोल दूंगा वीडियो कैसी बन जाएगी. ट्राई तो करो एटलीस्ट. जी जो लोग नहीं करते वो देख लो वो बैठे हैं. वो दूसरों को बस बोल सकते हैं कि यार ये क्या पागल मित्र लगा. वो खुद बेसिकली नहीं कर सकते. तो आप अगर आप में इतनी विल है आप में इतनी एबिलिटी है कि आपने कैमरा उठाया और उसके सामने बैठ के बोल रहे हो इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई कॉन्फिडेंस है. आपके अंदर भी कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ है जो आपको बस खौफ की वजह से उभरने नहीं दे रहा. उस खौफ को तर्क करो और वीडियोस बनाओ जितने बना सकते हो. जैसे भी इक्विपमेंट्स हैं बस इंडस्ट्री को फोड़ दो. बस यूट्यूब के एल्गोरिथम की ऐसी तैसी फेर. कॉन्टेंट बनाने से पीछे ना हटो. वीडियो बनाओ जितनी बना सकते हो ना बनाओ. मेरी 350 वीडियोस हो गई हैं. एक भी वीडियो वायरल नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियोस बनाना ही छोड़ दूंगा. 1000 वीडियोस बनाऊंगा. 4 साल मेहनत करूंगा इंशाल्लाह. एक बस पुख्ता इरादा बना लो उसको लेके एक फोकस रखो और बनाते चले जाओ. ठीक है तो अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. नीचे चल के काम शुरू करते हैं. सो हे फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ अपना काम स्टार्ट करने लगा हूँ. कल हमने ये इसके फ्रेम के बॉर्डर्स को किया था कंप्लीट. आज हमने ये जो इनर साइड के रिंग्स रहते हैं ना ये कंप्लीट करने और ये नया फ्रेम स्टार्ट कर देना. इस पे काम करना शुरू कर देना. ठीक है तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने काम को शुरू करते हैं. अबे यार इसको भी अभी खत्म होना था. तो यार ये लाइटर खत्म हो गया. नया लाइटर लेके आते हैं शॉप से जाके. अरे गेट तो आज खुला छोड़ दिया. अरे वाह. सो गाइस हम जा रहे हैं अभी शॉप पे लाइटर लेने. तो मैंने अभी देखा यहाँ पे बारिश हुई है. भाई क्या बात है छुपछुपीते बारिशें हो रही हैं अभी. वी गॉट अ सरप्राइज. शॉप बंद है भाई. लाइटर है. सो हे फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट आवर लाइटर. ओ भाई इसकी लाइट चेक करो कितनी है. तो अब काम को स्टार्ट करते हैं. तो यार अजान हो रही है तो जल्दी से ना नमाज पढ़ लेते हैं. काम तो होता रहेगा. सया अपना वुजू हो गया. नमाज पढ़ लेते हैं. सया फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है. तो आई एम गोइंग टू गेट बैक टू द वर्क.
सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक फ्रेम तैयार हो चुका है। अभी इसमें और भी काम होगा, एडिशन वगैरह होगी। अब मैं काम कर करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो फिलहाल अभी मैं खाने लगा हूँ। अपने लिए रोटी और कढ़ी है मेरे पास, तो खाना खा लेते हैं जल्दी से। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला सीन तो डन हो गया, खाना खा लिया, रच के पा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट फुल हो गया। बर्तन उठा के रख के आते हैं। सर जैसा कि आप लोगों को पता है कि थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी, तो मैं छत पे आया हूँ देखने के लिए कि यार कितनी बारिश आई है। अरे ये क्या भाई, यहाँ पे तो बारिश कोई नहीं हुई, मतलब बस ना सड़कें गीली करने के लिए आई थी बारिश, तो इतनी खास बारिश पड़ी नहीं है जिस तरह पड़ती होती है ना। तो ये देखो सड़कें अब सूख गई हैं सारी, सूरज चचा भी छुपे हुए हैं लेकिन इतनी तपिश नहीं दे रहे। शुक्र अल्लाह का कि हवा भी चल रही है और ठंडा मौसम हो गया, देख सकते हो आप। लगा दिए बास का आलम कैसे फरारा हिल रहा है, कितनी मज़े की हवा चल रही है। इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ठंडा मौसम हुआ है, कितना मज़े का मौसम हुआ है, कितनी मज़े की हवा चल रही है ना, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया, रिफ्रेशमेंट हो गया सही से, मज़ा मैं कहता हूँ क्या मज़ा है। सारी थकन जो होती है ना मेरी वो दूर हो गई है। तो अभी फ़िलहाल काम का ये सीन है कि काम थोड़ा सा हो गया है एक फ्रेम का, दूसरा फ्रेम इंशाल्लाह शाम को देख लेंगे या कल को कर लेंगे स्टार्ट। तो अभी फ़िलहाल हम हवा इन्जॉय कर रहे हैं यार, क्या मज़े की ठंडी ठार हवा चल रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाय 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 मेरे बाल हिल रहे हैं ना, ये देखो। ओ कव्वे तेरी ऐसी की तैसी, कव्वे मेरी वॉइस में बोल रहा है, तेरी ऐसी तैसी कव्वा हो जाए इधर से, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब जब तक मैं इस कव्वे को डराऊंगा नहीं ना, इसने उड़ के नहीं जाना इधर से। अच्छा कव्वों की एक बड़ी कहावत मशहूर है आप लोगों ने भी, इसको तो दौड़ाऊ ना मैं पहले, यहाँ से कोई वट्टा वुट्टा उठा के ना मारूं इसको, यहाँ से कहाँ वट्टा नहीं कोई मिल रहा, दौड़ गया कमीना। अच्छा आप लोगों ने कव्वे की एक कहावत सुनी होगी ना, नहीं कि कव्वा अगर आपकी छत पे आके बैठ के बोले ना तो समझ जाया करो कि आपके घर ना मेहमान आने वाला, आप इधर वाली टैंकी पे आ गए, मर जाना तफा हो जाओ। तो क्या ये सच है, ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, वैसे मेरे साथ होता रहता है ऐसा एक्सपीरियंस ना, तो मैं इसको कह सकता हूँ काइंड ऑफ है सुपरस्टिशन है, लेकिन ना मानने में आती है बात, अक्सर हो जाता है मेरे साथ भी ना, जब कभी कौवा बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हो ना, चाहे 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 भौंक रहा हो, तो ज़रूर कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। तो देखते हैं, लेट्स सी आता है कोई मेहमान या नहीं, वैसे दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है यार, सारों के घर में आज मेहमान आने, कभी किसी की छत पे जाके बैठे हैं, कभी किधर, क्योंकि लगता है कोई चीज़ है गोश्त गोश्त गिरा हुआ वो खा रहे हैं ये यार। वैसे कहानियों में सुना है प्यासा कौवा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारे महल्ले में ना भूखे कौवे आ गए हैं, भूखा कौवा बैठे हुए भौंकी जा रहे हैं कब से ना, सुबह से आके इधर, जब से मैं ऊपर आया हूँ ना तब से टैं 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 लगाई हुई है, मेरा ब्लॉग ख़राब कर रहे, देख रहे आवाज़ें आ रही होनी आप लोगों को। वो दूर जाके बैठ गया मनूस मारा हुआ काले मुंह वाला, चलो उसको भौंकते रहने दो। तो यार आज के ब्लॉग में बस इतना कुछ ही, तो इस ब्लॉग को भी करते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा ये ब्लॉग, तो इस ब्लॉग में बस इतना ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अब भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का तो कहा नहीं मैंने, भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।